जाने वाली सर, वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पता करने का। उनके जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो आपने इन भाई साहब को जरूर देखा होगा, इनका नाम आलोक मौर्य है। अब बात करते हैं ओवरऑल इनके केस में क्या होने वाला है, इनको जस्टिस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ऑनेस्टली बोला जाए तो इनको कोई भी जस्टिस नहीं मिलने वाला, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कोई लॉ है ही नहीं जो इस चीज को प्रोटेक्ट करे। ज्यादा से ज्यादा इनको डिवोर्स मिल सकता है, डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं ये, और एसडीएम साहिबा इनके ऊपर डिवोर्स का फोर्स कर रही है, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए, ये नहीं चाहते इनका परिवार टूटे। अब बात कर लेते हैं जो इनकी वाइफ है एसडीएम, इनके ऊपर कोई केस, इनके ऊपर कोई चार्जेस लगने वाले हैं या नहीं। जी हाँ लग सकते हैं, पर वो चीटिंग के ऊपर नहीं लगेगा, ना ही वो एडल्ट्री के ऊपर लगेगा, वो लगेगा तो वो करप्शन के ऊपर लगेगा। जैसा कि इनके हस्बैंड ने इनके बारे में बताया कि इन्होंने कितनी ज्यादा रिश्वत ली है या फिर कितने ज्यादा लोगों से पैसे लिए, उस करप्शन चार्जेस के ऊपर इनकी वाइफ को सस्पेंड किया जा सकता है।